समाज सेवा का जज्बा अगर देखना हो तो हमारे साथ चलिए रीवा विश्वविद्यालय के पास इटौरा गांव में, जहां पर एक परिवार का मुखिया हार्ट अटैक से मर जाता है, फिर भी पूरा परिवार जरूरतमंदों को भोजन पहुंचाने में जुटा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जीशान जावेद आपके साथ। आइए आपको लेकर चलते हैं बाईपास और दिखाते हैं वहां का हाल। जब किसी परिवार में घर का मुखिया हमेशा के लिए चला जाता है तो वह परिवार संकट में आ जाता है। अगर मुखिया रोज कमाने खाने वाला हो तो यह संकट और भी बढ़ जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ लॉकडाउन के दौरान बुधवार को रीवा के इटौरा गांव में। यहां पर घर बनाकर अपने परिवार का पेट पालने वाले लक्ष्मण साकेत की मौत हो गई। हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है। लॉकडाउन के दौरान लक्ष्मण और उनका परिवार गांव और उसके आसपास रीवा के सेंट्रल किचन से आने वाले खाने को जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। लक्ष्मण की मौत हुई, उनके परिवार ने यह काम बंद नहीं किया। बेटे और भाई चाहते थे हमारे साथ जो संकट आया है, जो विपत्ति आई है, वह और किसी के साथ ना आए। हम खाली पेट भले ही रह जाएं, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति खाली पेट ना रहे, जिसकी वजह से जो आज हमारे साथ हम पर बीती है, हमारे ऊपर से पिता का साया चला गया, वह किसी और के साथ ना हो। चौधरी परिवार के इस जज्बे को शब्दों से नहीं तोला जा सकता। उनके इस काम की सराहना चारों तरफ हो रही है। बड़े लोग जिनके पेट भरे होते हैं वह दूसरों तक खाना पहुंचाएं, यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन रोज कमाने खाने वाला व्यक्ति, घर बनाकर अपने परिवार का पेट पालने वाले व्यक्ति का परिवार अगर यह काम करता है तो उसके जज्बे को हर व्यक्ति सलाम करता है। न्यूज नेटवर्क की पूरी टीम उसके इस जज्बे को सलाम करती है और ऊपर वाले से दुआ करती है यह जज्बा सबको मिले, जिससे देश दुनिया में कोई भी भूख की वजह से ना मरे। हम इस समय मौजूद हैं रीवा के एक किनारे में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। मैं कुछ बताऊँ, कुछ कहूँ, उसके पहले आपको यह जान लेना जरूरी है, इस समय COVID-19 का प्रकोप पूरे देश दुनिया में चल रहा है। यहाँ पर भी, यहाँ तमाम समाज सेवी यहाँ लोगों तक घर घर खाना पहुँचा रहे हैं, उनके दो वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर रहे हैं। इसी दौरान यहाँ पर एक ऐसा हादसा होता है जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। यहाँ पर यह काम किया करते थे लक्ष्मण प्रसाद जी, जो पेशे से मजदूर हुआ करते थे, मिस्त्री थे, घरों की जुड़ाई किया करते थे, लेकिन अकस्मात आज से ठीक दो दिन पूर्व उनका देहांत हो गया। संकट की इस घड़ी में उनके परिवार ने उनका अंतिम संस्कार तो किया, साथ ही उनके परिवार के लोगों ने इस काम को अपने बंद नहीं किया। उनके इस जज्बे को जितना भी सराहा जाए, जितना भी उनके इस जज्बे की तारीफ की जाए, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। हमारे साथ इस समय उनका पूरा परिवार मौजूद है। हम सीधे उनसे बात करते हैं, उनके बेटे से बात करते हैं। जी बताइए, आपके साथ आपके क्या हुआ? हमारे साथ सर, हमारे साथ वो हम खाना बांट रहे थे सर, ये वो गरीबों के लिए खाना बटता है, खाना बांटने की प्रक्रिया कर रहे थे सर, तो अचानक वो पापा की मृत्यु हो गई, तो हो गया मृत्यु हो गई, तो हम खाना बंद कर खाना बांटना बंद नहीं किए और ये प्रक्रिया चालू है। और हो गया सर, देखा आपने, खाना बांट रहे थे उसी दौरान पिताजी की डेथ हो गई, फिर भी हमने खाना बांटना बंद नहीं किया। जी धन्यवाद। मैं कहना चाहिए कि मतलब मेरे बड़े पापा जी रिश्ते पे लगे, यदि वो उन ये हमारे हमसे दूर चले गए हैं, लेकिन हम यदि उनके जाने के गम मनाते रह जाएंगे तो कुछ और परिवार भी भूखे रह जाएंगे, इसीलिए हम इस प्रक्रिया को ना रोकते हुए लगातार बढ़ाते रहते, सहयोग करते रहें कि यदि हम लोग भूखे, हम भूख को जानते हैं, तो ये भी लोग भूखे रहते हैं, इसलिए हम लोग ये कार्य लगातार कर रहे हैं। कोई भूखा पेट ना सोए, ठीक है हमारे परिवार में संकट आया, लेकिन कोई भूखा पेट ना सोए, इसी के चलते हम लगातार इस प्रक्रिया को जारी रखे हुए हैं। जी आपके भाई थे? हमारे बड़े भाई थे जी, बताएं। हमारा नाम योगेंद्र चौधरी है, जिनका देहांत होगा मेरे बड़े भाई हैं, वो मजदूरी करते हैं मिस्त्रियाना, और हम मैंने ये
जन सेवा का कार्य करते हैं और उनका देहांत हो गया है, फिर भी हम लोग लगे हुए हैं। दो वक्त की रोटी जुटाना, रोज कमाना, रोज खाना, जिस परिवार का यह हाल रहा हो, लेकिन कोविड-19 के चलते वह भी बंद है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं, रोज कमाने रोज खाने वाला परिवार घर की चिंता, अपने पेट की पहले चिंता करता है, लेकिन इस परिवार की जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। अपनी चिंता छोड़ के मोहल्ले वासियों की चिंता, उन लोगों की चिंता जिनके पास वाकई में खाने के लिए नहीं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो दृश्य आप देख रहे हैं वह सामान्य दृश्य नहीं है, वह दृश्य हमेशा कहीं ना कहीं इस दौरान दिखाई दे रहा होगा, लेकिन एक ऐसा परिवार जिसने अभी हाल ही में अपना पिता खोया, उस परिवार के लोग अगर खाना बांट रहे हैं तो वह दृश्य अपने आप में अविस्मरणीय है। उस दृश्य की परिकल्पना महज शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। न्यूज़ नेटवर्क टुडे के लिए मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। घर पर खाने की समस्या, पिता की मौत, फिर भी संकट की इस घड़ी में समाज सेवा का जज्बा, दूसरों को भोजन पहुंचाने का, जो उन पर बीती वो किसी और पर न बीते, उनके जज्बे को पूरा देश सलाम करता है। आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।